अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं या किसी भी चीज को समय दे रहे हैं तो वो टाइम यूटिलाइज होता है, कभी भी वो वर्थलेस नहीं होता है या बेकार नहीं होता है। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से बात सुनी है कि मेरे 3 साल पढ़ाई में बर्बाद हो गए या मेरे इतने साल इस चीज में बर्बाद हो गए। वो बर्बाद नहीं हुए हैं, वो दरअसल आबाद हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं। तो बस नजरिए की बात है, थोड़ा सा सोच को परिवर्तित करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट बहुत मिलते हैं। सो इस तरीके से जीवन में हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला डेडिकेटेड है नीट के बच्चों के लिए और आज का टॉपिक है बायोडायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेस है आर्थ्रोपोडा। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो मैंने आज कुछ क्वेश्चन की एनालाइज करके कुछ सीरीज बनाई है, उसी को मैं आज आपको टॉप 15 क्वेश्चन बताऊंगी। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टेस्ट रिसेप्टर ऑफ कॉकरोच आर। तो टेस्ट रिसेप्टर ऑफ कॉकरोच जो होता है वो पल्प्स ऑफ द मैक्सिलरी एंड लेबियम होता है। पल्प्स ऑफ द मैक्सिलरी एंड लेबियम, ठीक है, मैक्सिलरी और लेबियम, मतलब लेबियम यानी होठ के ऊपर वाला पार्ट मैक्सिलरी और लेबियम, ठीक है, लेबियम मतलब होठ होता है, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में जो कहते हैं। तो ये क्या है, ये टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक, तो इनकरेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दे रही हूं। इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूड, जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूड होता है, सर्व टू अ डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक, तो कह रहा है कि जो भी सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है। ये गलत टर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंसेक्ट में इस तरीके का कुछ भी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके का कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन अ सेंटीपीड कॉकरोच एंड द क्रैब आर। तो सेंटीपीड कॉकरोच में और क्रैब में कौन सा ऐसा कॉमन कैरेक्टर होता है जो उनको सिमिलरिटी को दिखाता है, तो होता है, सबसे पहले होता है ज्वाइंटेड लेग एंड द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। मतलब ज्वाइंटेड इसमें लेग्स होते हैं और काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम विदाउट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो वो किसमें होता है, वो बेटा कॉकरोच में होता है। यही तो उसकी स्पेसिफिसिटी है। ये क्या है स्पेसिफिसिटी, है मतलब इसमें ब्लड वेस्कुलर ओपन टाइप का सिस्टम होता है, डायरेक्टली मतलब सारी चीजें क्या होती, ट्रांसफर होती जाती है, कोई क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तभी वो इनकरेक्ट, अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वो इनकरेक्ट था। ठीक, तो कॉकरोच में क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण तो ब्लड रेड होता है, तो ये इस तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, कह रहा है हीमोसील इज फाउंड इन, तो हीमोसील, ठीक है, एक कैविटी है, कह रहा है फाउंड इन किसमें होती है, तो कह रहा है पेरीप्लेनेटा एंड पाइला में इस तरीके की हीमोसील पाई जाती है। ठीक, जहां पे हीम जो होता है, एक सील, एक कैविटी, एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे अकर होता है, तो आपको याद रखना हीमोसील कहाँ होता है, किस एनिमल में होता है, तो पेरीप्लेनेटा एंड पाइला। पेरीप्लेनेटा किसका, आर्थ्रोपोडा का, पाइला किसका है, मोलस्का का। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम, मोलस्का उससे सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक, क्लास की बात करेंगे तो पीसीज है सबसे बड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द थ्री एनिमल ईच इज करेक्टली मैच विद देयर करेक्टरिस्टिक इन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मैं डायरेक्ट आंसर के थ्रू आपको कोशिश करती हूँ कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको ये आंसर मेरे ध्यान रखने हैं, आंसर के पॉइंट को ध्यान रखना है। स्कॉर्पियन
स्पाइडर और कॉकरोच में, मैंने क्या बोला, स्कॉर्पियन स्पाइडर और कॉकरोच में वेंट्रल सॉलिड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। मैं आपको बता दूं कि आर्थ्रोपोडा से जो नर्वस सिस्टम है वेल डेवलप होने लगा था, हाईली डेवलप होने लगा था। अब आर्थ्रोपोडा से आगे के जितने कॉर्डेट मैंगोस में सब में, ठीक है, नर्वस सिस्टम में वेल डेवलप आपको देखने को मिलेगा। तो स्कॉर्पियन स्पाइडर कॉकरोच में वेंट्रल सॉलिड होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट होता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। देखो, क्यूलेस के द्वारा फाइलेरेसिस डिसीज स्प्रीड आउट होता है, ठीक है, ये याद रखो, क्यूलेस के द्वारा फाइलेरेसिस डिसीज स्प्रीड आउट होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं तो कह रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट इन द मेल्फीगियन टिब्यूल्स फ्लोज इनटू अ, मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेल्फीगियन टिब्यूल्स में बहता है किस में होता है, तो इंटेस्टाइन में फ्लोज होता है, यानी कि जो उसका संचरण है, उसका संवहन है, या वो फ्लोट जो हो रहा है बेसिकली वो इंटेस्टाइन में होता है, तो आपको ये बात याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चेंजेस डेट अलाउड द कन्वर्जन ऑफ द लार्वा इनटू अ एडल्ट इज टर्म, तो ये टर्म जो होता है वो मेटामार्फोसिस का होता है, किसका होता है, मेटामार्फोसिस का होता है। मेटामार्फोसिस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो अपने रूप का या अपने फॉर्म को डेवलप करे, ठीक है, उसे बोलते हैं मेटामार्फोसिस। कायांतरण यानी कि अपनी काया का क्या करे, अंतरण यानी कि परिवर्तन करे, डेवलपमेंट करे, है कि नहीं, तो इसे आपको याद रखना है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट इन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच आर, मैं आपको बता दूं कि जितने सेगमेंट के क्वेश्चन, जैसे एनिलिडा भी आया था, तो एनिलिडा में बहुत सारे क्वेश्चन सेगमेंट के थे, है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सेगमेंट के काफी सारे क्वेश्चन है। तो यहां से पूछा गया है कि द नंबर ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट इन द मेल एंड द फीमेल कॉकरोचेस, तो मेल और फीमेल में दोनों में ही एब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है उसमें 10-10 होते हैं, ठीक है, 10 सेगमेंट मेल में भी होते हैं, 10 सेगमेंट फीमेल में भी होते हैं, तो इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है, क्या करोगे आप लोग, इसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट अ एनिमल कंसर्न, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो बेसिकली एनिमल के लिए बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, तो आर्थ्रोपोडा के रेफरेंस में इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कॉकरोच हैव द 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स, तो इससे देखिए एक और एमसीक्यू निकल के आता है, तो इसे याद रखना है। कॉकरोच में 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, 2 पेयर ऑन द थोरेक्स, 2 पेयर्स क्या होंगे, उसके थोरेक्स पार्ट में होंगे, वृक्ष भाग में होंगे, एंड द 8 पेयर ऑफ द एब्डोमिनल, और 8 उसके क्या होंगे, एब्डोमिनल यानी कि उसके लास्ट सेगमेंट में होंगे, यानी कि उदर भाग में होंगे, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना। आई रिपीट दिस क्वेश्चन और ए पॉइंट, कॉकरोच हैव द 10 पेयर ऑफ द स्पाइरिकल, 10 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं, ठीक है, किसमें हेल्प करेंगे, बेसिकली रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। 2 पेयर ऑफ द थोरेक्स, 2 कहाँ होंगे, थोरेक्स में होंगे, 8 पेयर ऑफ द एब्डोमन, और 8 कहाँ होंगे, एब्डोमन में होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेल्फीगियन टिब्यूल इज फाउंड इन, मेल्फीगियन टिब्यूल जो होती है वो कहाँ होती है, तो वो बेसिकली हनी बी में होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, हनी बी में होती है। मेल्फीगियन टिब्यूल्स कहाँ होती है, हनी बी में होती है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। हनी बी इकोनॉमिकल बहुत इसका यूज होता है, ठीक है, वैक्स बनाने में इसका यूज होता है, तो इस कभी कभी मतलब इकोनॉमिक एंटेमोलॉजी करके एक टॉपिक रहता है नीट में, तो वो भी पूछा जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक एंटेमोलॉजी या इकोनॉमिक आर्थोपोडांस, इस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक में आप अलग अलग तरीके से देखोगे, मतलब सेंस ऑफ वे उनको बताना था कि इकोनॉमिक क्या इसका मतलब वैल्यू है बेसिकली, ठीक। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ पैथोजन एंड इट्स वेक्टर, सो मैं बता दूं, इसको आप पॉइंट को याद रखोगे, प्लाज्मोडियम
एंड एनाफिलीज। प्लाज्मोडियम एंड एनाफिलीज क्या करते हैं, बिल्कुल पैथोजन, मतलब ये अगर एक ही पैथोजन को फैलाते हैं, ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है, प्लाज्मोडियम एंड एनाफिलीज करेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेज बिटवीन द लार्वल माउथ इज कॉल्ड एज, सो स्टेज जो होता है, जो बेसिकली लार्वल मॉल्ड्स में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इन स्टार, क्या बोलते हैं इन स्टार, तो कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली जब मैं ये कहूं कि लार्वल मॉल्टिंग होती है तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं इन स्टार। इनिशिएटिव प्रिमिटिव स्टेज होता है, ठीक है, इन स्टार, इसे आप लोगों को अच्छे से मतलब याद रखना है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द काक्रोच, तो काक्रोच के रेफरेंस में कौन सा ऐसा मतलब पॉइंट है जो बिल्कुल ट्रू है, दैट इज अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, बस आपको ये दिमाग में बैठाना है कि इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, बस इतना अगर याद रखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे आर्थोपोडा के। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला, थैंक्स अगेन, और मैं यही कहूंगी कीप वॉचिंग एंड स्टे कंटिन्यू, थैंक यू।